आज समाज में एक बहुत गंदा एक काम हो रहा है मेरी माँ। आप मैं आजकल पता है आपको, जब लड़के लड़की पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पर एक ही कमरे में लड़का लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं, हाँ या ना? आज के माहौल में ये एक ही कमरे में लड़के लड़की एक साथ रहते हैं पढ़ने के नाम पर। कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे हम दे, तो किराया चुका के और कमरे में रहो। अब मुझे एक बात समझाओ कि जब रहना ही है तो लड़की लड़की रहे ना भाई साथ में, लड़के लड़के, अब लड़का लड़की रहती हैं, अब बता। और ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये? पति पत्नी की तरह पहले ही रह रहे हैं, है ना? उसके संग रह रहे हैं, उसी के संग खा रहे हैं, उसी के संग उठना बैठना है आज के जमाने में। और फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम ठीक हैं। और माँ बाप, आप लोगों को नहीं दिखता कि आपकी बेटी कमरे में किसके संग रह रही है? उसके संग कोई पराया मर्द रात को रह रहा है, क्या ये अच्छे संकेत हैं? कितनी अंधी हो गई है ना दुनिया, सब देख रहे हैं, सबको पता है ऐसा हो रहा है संसार में। बोलो हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या लड़की के माँ बाप को पता नहीं है कहाँ सोए पड़े हो, कब जागोगे? तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग रहती है पढ़ने के नाम पर। फिर ये घटनाएं घटती हैं, चरित्र तो बिगड़ ही जाएगा। काजल की कोठरी में कोई जाए और बिना कालिख लगे बाहर आ जाए, साहब ऐसा नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में कितना जती हो, कितना सती हो, काजल की कोठरी में कालिख लागे ही लागे, है ना मेरी माँ? बचना कैसे संभव होगा? इसलिए आप लोग समझिए और अपनी बेटियों के लिए सावधान रहिए, ताकि आप अपनी बेटियों के साथ होने वाली कोई भी घटना से पहले ही आप अपनी बेटियों को बचा सकें और कोई दुर्घटना आपकी बेटी के संग कभी ना हो। कोई कितना जती हो, कोई कितना सती हो, कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे, ऐसा हम नहीं कह रहे। रफी जी ने गीत गाया है, रामचंद्र कह गए सिया से, उसी की लाइनें हैं ये। कोई कितना जती हो, कोई कितनी सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। ऐ सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, लागे ही लागे। क्या बताएं? है मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग में बैठ तेरे बैठते भागे ही भागे। है काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे। काजल की कोठरी में बैठे और वहां बैठकर उसके काजल का दाग उसके कपड़े में ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में पढ़ाई के नाम पर साथ रहें और उनका चरित्र ना बिगड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दाग ना लगे। और माँ बाप कहां सो रहे हैं? क्या है शिक्षा के नाम पर? ऐसी शिक्षा हमारे देश में नहीं थी साहब, पहले भी पढ़े लिखे थे, आज ही तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, पहले चाणक्य के पढ़ाए सम्राट बने हैं, चाणक्य के पढ़ाए बच्चे सम्राट बने हैं, सम्राट पढ़े लिखे पहले थे। कब आर्यभट्ट ने शून्य दिया, दशमलव दिया, पढ़े लिखे पहले भी थे, पर तुम्हारी तरह पढ़ते नहीं थे कि वो कमरे में एक साथ रह के बिना शादी विवाह के ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करके रहें और वो पढ़ाई का नाम दें। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा के नाम पर चरित्रहीनता है, ये देह व्यापार है, ये एक प्रकार का देह व्यापार है, जिसे आपने शिक्षा का नाम दिया है। इसलिए पढ़ाया जाता है गा से गधा,
क्योंकि आज की शिक्षा गधा ही बना रही है। हमारे जमाने में पढ़ाया गया गा से गणेश, तो गणेश जैसी शिक्षा है, गा गणेश का। अभी सब गधों वाली है, ये गधे ही तो, और क्या है इनको, कैसे समझदार कह दोगे आप। और बच्चों की गलती कम है 5%, 95% माँ बाप गलत है, क्योंकि तुम कहां हो, तुम्हारी बेटी कहां रह रही है तुम्हें पता ही नहीं। पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने की मनाही नहीं है, खूब पढ़ाओ बेटी को बेटों को, पर चरित्रवान बने रहें, चरित्र ना बिगड़े, और फिर भी पढ़ लें तो उसमें क्या आपत्ति है। समझिएगा मेरी माँ, मेरी बातों पर चिंतन करिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आपकी बेटी के 35 टुकड़े ना हो। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटियों के 35 टुकड़े ना हो जाए। किसी के साथ भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, सावधान रहने में क्या आपत्ति है। आपकी बहन बेटियां सावधान रहें तो क्या बुराई है। कोई 35 टुकड़े कर रहा है प्रेम के नाम पर। अभी कुछ दिन पहले और एक घटना आई थी, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था उसको। तो ये घटनाएं ना हो हमारे पढ़े लिखे भारत में, समाज में, अच्छी सूचना नहीं है ये।